नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और दिल्ली मेरी शान। ये खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं। एमसीटी चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ऐसे में क्या है पूर्वी दिल्ली की जनता की समस्याएं, देखिए ग्राउंड जीरो से चारुल शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बरसात बिछ चुकी है। हम मौजूद हैं कोंडली विधानसभा के वार्ड नंबर 193 और 94 में, और यहां के लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है ये गाजीपुर का पहाड़, जो कि दिल्ली का कलंक भी कहा जाता है, क्योंकि इस पहाड़ की वजह से यहां पर रहने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें समस्या होती है सांस लेने में, इन्हें समस्या होती है पानी पीने में, क्योंकि आप यहां पर देखिए कि ये जो गाजीपुर का पहाड़ है और इसके पास मौजूद जल, इसने ना सिर्फ यहाँ की जो हवा है उसे विषैला किया है, बल्कि ये जल जो यहाँ पर है, ये जल बोर्ड भी यहाँ पर जल नहीं बल्कि जल जनित बीमारियां लोगों को देता है, जिससे कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आइए यहाँ के लोगों से समझते हैं कि यहाँ की आखिर समस्याएं क्या हैं और उन्हें उनके एमसीडी चुनाव में उनके प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें हैं। एमसीडी चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपने अपने वादे कर दिए हैं, लेकिन आखिर जनता की समस्याएं क्या हैं और जनता किन मुद्दों को लेकर हमेशा से परेशान रही है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टी आ रही है सबने अपने अपने वादे कर दिए, लेकिन आप लोगों की क्या समस्याएं, आप यहाँ पर 20 साल से रह रही है? ना तो पानी, पहले तो बिजली की दिक्कत थी, फिर पानी की दिक्कत है गई, पूरी घर में पानी नहीं आता, चाय और रोटी को कोई नाम निशान ना, पानी को ढूंढो डाना फिर भी राड़ देती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे इन्होंने जिक्र किया कि सांस लेने में समस्या है, तो क्या लगता है कि ये जो पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ के ठीक सामने आप लोग रह रहे हैं, तो लगता है कि ये पहाड़ ही एक असली वजह है जिसकी वजह से सांस लेने की जो समस्याएं आप लोगों को हो रही है? जी मैम, यही समस्या है, ये हटना ही चाहिए तो अच्छा रहेगा। और पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और इससे भी बहुत प्रॉब्लम है, जो कि बहुत समस्या इतनी है कि दिक्कत ज़्यादा ही होती है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। जो मालूम यहाँ पर पानी की समस्या यहाँ पर है, तो पानी की समस्या से आप लोग कैसे निदान पाते हैं? घरों में पानी आता है या फिर कहीं जाना पड़ता है पानी लेने के? टैंकर मंगाते हैं तो वो भी है ना, टैंकर वाले भी है ना बहुत लेट आते हैं, जब तक और उस पर है ना भीड़ होती है इतनी कि मारा पीटी भी हो जाती है कई बार, और इसका जो है ना मारा पीटी होने के बाद में भी पानी मिलता नहीं है। सफाई तो बिल्कुल है नहीं, यहाँ गली में देख लो, यहाँ कूड़े भरा पड़ा सब में, सफाई वाले आएंगे आधे घंटे को आएंगे, हाजिर लगाएंगे चले जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये गलियाँ भी दिखाएं कि कितनी संकीर्ण हैं ये गलियाँ, और यहाँ पर देश की राजधानी जो कि अपने हाईवे के लिए जानी जाती है, वहाँ पर आज भी ये गलियाँ हैं जो इसी राजधानी की पहचान बन गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ पर प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं, तो आखिर वो किन वादों को करते हैं और किन वादों के बलबूते वो अगले साल आते हैं? मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं और आपसे वोट मांगते हैं, तो क्या आप उन्हें ये हालत नहीं दिखाते? मैडम जी, आप चिंता मत करो, आपके हो जाएगा, हम तो देख रहे हैं 5-10 साल से नहीं हुआ और वोट ले लेते हैं, हाँ कह देते हाँ अब क्या करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं आम जनता की, जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं कि ये जो कूड़े का पहाड़ है, इसने ना सिर्फ यहाँ की हवा को विषैला किया है बल्कि पाताल तक इसका जो जहर है वो महसूस किया जा सकता है, क्योंकि पानी भी यहाँ पर विषैला है, पानी पीने योग्य नहीं और लोगों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है, और इस वजह से भी यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती है। कुल मिलाकर कई सारी समस्याएं यहाँ पर हैं जिनको बता रहे हैं, जिनसे वो हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में दो चार होते हैं। आइए कुछ और समस्याएं देखते हैं यहाँ के लोगों की। वार्ड नंबर 192 में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार जी। विजय जी, एमसीडी इलेक्शन में आप क्योंकि जनता के पास जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का इस बार पूरी तरह से फोकस है एमसीडी में आना, तो क्या क्या समस्याएं जब आप लोग लोगों के पास जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं वो बताते हैं और आप उनका हल किस तरह से करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गारंटी कार्ड में बोला है कि जब हम एमसीडी के अंदर
पूरी बहुमत से सीट लेके आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे तो जनता के बीच में जो सुविधाएं उनकी, जैसे बड़े लंबे समय से नालियां नहीं बनी हैं, गलियां की सड़कें नहीं बनी हैं, तो उन पे ही सारी सफाई व्यवस्था पे काम किया जाएगा। अच्छा विजय जी, लोगों के पास हम लोग गए थे, उनसे बातचीत भी की, तो उनका कहना है कि सड़कों की समस्याएं हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ ही पानी की समस्या का उन्होंने जिक्र किया। देखिए बड़ा लंबे समय से पिछले 35 सालों में यहाँ पे पाइपलाइन जो थी वो काफ़ी लंबे समय से नहीं बदल रही थी, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो लगातार हर गली के अंदर पाइपलाइन बदलने का काम जारी है और लगातार आप अगर देखेंगे भी तो सब तरफ जो है विधायक श्री रोहित नेहरोली जी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा सारी पाइपलाइन चेंज हो रही है, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि बहुत लंबी समय से वो नहीं बदली गई थी, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है यहाँ पे विधायक श्री रोहित मेहरोला जी लगातार गलियों के अंदर एक पाइपलाइन चेंज करने का काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रत्याशी विजय कुमार जी, जिन्होंने बताया कि एमसीडी चुनाव में जब वो जनता के पास जा रहे हैं तो किन किन समस्याओं से जनता उन्हें रूबरू करा रही है और उनका निदान वो किस तरह से करने वाले हैं। कोंडली विधानसभा में वार्ड 193 और 94 की स्थिति किस तरह से दयनीय हो चुकी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह महिलाओं ने कहा था कि यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो बेहद छोटी हैं, चलने की जगह नहीं है, संकीर्ण गलियाँ जो हैं वो यहाँ की पहचान बन चुकी हैं और इन्हीं समस्याओं की वजह से लोगों को अक्सर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सबसे पहले, इसके बाद हम दिखाते हैं कि आखिर सड़कों की यहाँ पर क्या स्थिति है। एक तरफ देश की राजधानी विकास कर रही है, देश विकास कर रहा है और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो हाईवे पर फोकस किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आप जहाँ तक इस सड़क को देखेंगे वहाँ पर आपको गड्ढे नजर आएंगे। अब ये कहना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में ही सड़क है। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि ये समस्याएं जो हैं उसके बारे में क्या कहेंगे। ये जो स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ भी कहना साफ नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे और इसके साथ ही संकीर्ण गलियाँ। हम कोंडली विधानसभा में आते हैं, यहाँ पे खांसी टीपी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस खत्ते की प्रॉब्लम है। हमारी ये गलियों का हाल, सड़क का हाल, इस खत्ते का हाल, इससे बीमारियां इतनी हैं कि हमारे गले बैठे रहते हैं। अगर हवा तेज़ चलती है तो खांसी का ज़्यादा बढ़ जाती है, दिलों में तकलीफ, फेफड़ों में तकलीफ होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं, इससे पहले जो थे उन्होंने एक रुपये का काम नहीं कराया। मैं और लोगों से भी पूछती हूँ, आपसे समझेंगे, जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो सिर्फ ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये गड्ढे नहीं है, विषैला पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लोगों को समस्याएं हैं वो भी हैं, वो बीमारियाँ भी हैं जो इस वातावरण की ओर से हो रही है। ऐसा है, एमसीडी का चुनाव है, मगर हालत एमसीडी की यह है कि इतना बुरा हाल कर रखा है, अब देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, 15 साल से बीजेपी भी एमसीडी में है, इस बार अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तरफ से वादे कर रहे हैं, मगर वादे उनके पूरे नहीं, क्योंकि कौंसिल निगम पार्षद जो था वो एमआईएम पार्टी का था इस टाइम, उसका आप पार्टी का था इस टाइम, मगर हालत आप देख लो कि कितने गड्ढे हो रहे हैं। चाहते तो वो सुधरवा सकते थे, यहाँ देख लो इनके एमसीडी का ऑफिस है, मगर एमसीडी के ऑफिस के सामने इतनी गंदा, तो बाकी और जगह कहाँ होगी, पूरी हालत और जगह। तमाम समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लोग आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद, जीतने के बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि नेताजी आप वापस कब आओगे। तो कोंडली विधानसभा के वार्ड नंबर 193, 94 और 192 के लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और जाना और समझा भी कि किस तरह यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पर उनकी समस्याएं हैं सड़कों में गड्ढे, इसके साथ ही कूड़े के ढेर का पहाड़ उनकी समस्या है और इसके साथ ही वो पानी उनकी समस्या है जो वहाँ पर लोगों को पीना पड़ता है क्योंकि जल बोर्ड उन्हें कोई राहत नहीं दे रहा है। ऐसे ही कल कुछ और वार्ड्स में हम जाएंगे और वहाँ की समस्याएँ आपको बताएंगे, पूर्वी दिल्ली का पूरा हाल आपको बताएंगे हम। तो ये आपने चारुल की रिपोर्ट देखी, लेकिन दिल्ली में और भी बहुत सारे एरिया हैं। जाकिर नगर से हमारी सहयोगी निदा अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। होने वाले हैं चारुल की आपने रिपोर्ट देखी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि कूड़े का ढेर जो बना हुआ है उसको आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं निदा अहमद की रिपोर्ट।
चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और लिहाजा हम जो है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आज हम यहां पर मौजूद हैं साउथ दिल्ली के जाकिर नगर में, जहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे एक पुलिस स्टेशन है, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, थाना जामिया नगर, जाकिर नगर, दक्षिण पूर्वी जिला। तो जाकिर नगर इलाके में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की जो जनता है, जाकिर नगर की जो आवाम है, वो किसे चुनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि हमने बेहतर काम किया है, लिहाजा एमसीडी में हम ही आएंगे और झाड़ू चलेगी। तो क्या झाड़ू का जलवा जो है वो बरकरार रहेगा आम आदमी पार्टी का, या फिर कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि एमसीडी में काम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी जो है दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही पार्टी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, या फिर जो पिछले कई सालों से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है, तो इस बार भी क्या एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा बरकरार रहेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे ऊपर देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा जिस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वेलकम टू जाकिर नगर। तो जाकिर नगर में हम पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे अब आगे की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस इलाके के जो मुद्दे हैं वो क्या है, यहाँ की आवाम क्या सोचती है, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग वार्डों में हम जाएंगे पता करेंगे। फिलहाल हम वार्ड नंबर 189 में जाकिर नगर में मौजूद हैं, यहाँ के इलाके के मुद्दे जानेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट से बात करेंगे और विधायक साहब अमानतुल्ला खान साहब जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं जाकिर नगर का हाल। तो जाकिर नगर के वार्ड नंबर 189 में न्यूज़ इंडिया इस वक्त मौजूद है। यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है, यहाँ पर देखिए जगह जगह जिस तरीके से खुदाई हो रही है, गंदगी का अंबार लगा है, लोगों का ये कहना है कि आए दिन यहाँ पर खुदाई होती रहती है, जो सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरने वाली है इस एमसीडी चुनाव में, क्योंकि इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान जो है वो नहीं जाता है। जगह जगह यहाँ पर आपको गड्ढे मिलेंगे, इसके अलावा जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, वो आपको खुदी हुई मिलेंगी। इसी तरीके से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप यही जाकिर नगर में रहने वाले? जी, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ, यहीं का रेसिडेंट। एमसीडी चुनाव में किसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है? देखिए, पब्लिक ओपिनियन जो है, अगर आप ओपिनियन पोल भी देखें और जो रुझान नज़र आ रहे हैं, इस बार लग रहा है जैसे कि भाई केजरीवाल की सरकार ही आनी है, जिससे 250 सीट्स हैं एमसीडी में, तो 200 प्लस मैं मान रहा हूँ कि इस बार केजरीवाल की आई है, उन्हीं की लहर है यहाँ पर, उन्हीं की हवा है, सभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली की जो सरकार है उसमें 67 सीट्स हैं केजरीवाल साहब की, उन्होंने पिछले 7-8 साल से केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, यहाँ पर पूरी काया पलट दी, उन्होंने हॉस्पिटल का देखिए आपने, फ्री इलाज है, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, तो हम जनता भी एक्सपेक्ट कर रही है जब एमसीडी में आएंगे तो एमसीडी के हालात, हर एरिया के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, कूड़े का वही ढेर है, वही अंबार है, कोई नया कूड़ा घर नहीं है, 15 साल से जो सिटिंग काउंसिलर है उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, और जनता भी यही चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। इस बार लहर है अरविंद केजरीवाल जी की, और जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने वादे पूरे किए, एमसीडी में आएंगे इंशाल्लाह वो भी वादे पूरे करेंगे। ये देखिए आप, ये दिखाइए गंदगी यहाँ पर, दिखाइए जरा, दिखाइए नरेश जी, दिखाइए। हाँ, हर गली में यही हाल है, 15 साल सिटिंग काउंसिलर है यहाँ पर, उसने कोई काम नहीं किया यहाँ पर, अब उम्मीद है केजरीवाल जी से, वो एमसीडी में आएंगे, कुछ करेंगे जनता के लिए। किसका कब्जा एमसीडी पे? केजरीवाल सरकार का। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आएगी इस बार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? पहले बात तो ये देख रहे हैं, ये जो हो रहा, ये इसे कौन करवावे, 10 साल हो गए आज तक सड़क ही ना बनी, केजरीवाल आओ या कोई भी आओ, वोट तो सब ले लेते हैं, कोई करवाता है कोई काम? 15 साल तो कांग्रेस का कब्जा था, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कांग्रेस से? पहले इतना गंदा माहौल नहीं था, कांग्रेस के राज में इतना तार खोल के सड़क बनी रहे भाई, जाली बनी रहे भाई, जालियों में जी पाइप नहीं है या कुछ नहीं है, क्या है बताओ? किसे देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कौन? बीजेपी। बीजेपी आएगी। आप किसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी आएगी। और आप, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप ओखला में एंटर किए हैं तो आपने खुद देखा होगा ओखला का हाल, कि किस तरह का हाल हो रहा है एमसीडी में, जब से यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद आए हैं
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर काम हुए होंगे। आप किससे देख रहे हैं, किसकी किसका कब्जा होगा आपके एमसीडी में? पार्षद शुएब दारी साहब अगर ये काम करते तो हमारी आज माए और हम ये शिकायत नहीं करते। हमें दर्द है कि तो हमें दर्द इसलिए है क्योंकि हमारी दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है और हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार को लाएंगे तो हमारे काम आसान होंगे, हमारी महिलाओं के काम आसान होंगे। सड़कें जो है वो खुदी हुई है, पानी जो है वो यहाँ पर जमा है, पानी की निकासी की सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। आइए जरा निर्जी धरा एक मिनट, क्या लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी में आप जो है आपके और कुछ कमल कर पाएगी एमसीडी में या बीजेपी ही काबिज रहेगी या फिर कांग्रेस? आप जब चल के इस रास्ते से आई होंगी, कितने देर में आप यहाँ तक पहुँची इस रास्ते में? बहुत वक्त लगा। कितना वक्त? बहुत ज्यादा लगा। जाम को सुधार करने के लिए हम यहाँ आए वार्ड में। तो देखिए बहुत से लोग जो है वो परेशान हैं, यहाँ पर पानी की निकासी जो सबसे बड़ी समस्या है, गलियों में जो गड्ढे हैं जो खुदे हुए हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। तो चाहते हैं कि यहाँ पर कि सरकार जो है वो बदले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी लेकिन अभी तक इन लोगों का ये कहना कुछ भी नहीं हुआ है। जो पार्षद थे मौजूदा यहाँ पर शुएब साहब और अब की बार उनकी पत्नी है, क्योंकि ये सीट महिला सीट है, तो देखना होगा कि इन लोगों की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतर पाता है। हम इस वक्त जाकिर नगर के वार्ड नंबर 189 में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं बैठी हैं सलमा आरिस खान साहब जो साहिबा, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं इस वार्ड से। आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी सलमा ने, अगर मैं पूछूं एज ए कैंडिडेट? मैम, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आवाम के लिए, पूरे जनता के लिए काम करा है। उन्होंने शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बिजली पानी और जो वादे केजरीवाल जी करते हैं वो उन्हें पूरा ज़रूर करते हैं। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी की ही सरकार को चुना और मैंने उनसे अपने लिए टिकट मांगा। जो 10 गारंटी योजना के बाद आम आदमी पार्टी कर रही है, आपको क्या लग रहा है कितने खरा आप उतर पाएंगे उन गारंटी को लेकर? मैम, मुझे तो ये लगता है कि हम पूरी 10 गारंटियों पर खरे उतरेंगे। पूरी कोशिश करूँगी मैं अपनी कि अपनी पार्टी से जितना हो सके अपने इलाके के लोगों के लिए काम करवाऊँ और जो हो सकेगा मैं उनके लिए अच्छी सी अच्छी चीज़ों को लेकर आऊँगी, जो उन लोगों की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करूँगी। जैसे पेंशन से जुड़ी हैं, राशन कार्ड से बहुत परेशान हैं, बेवा औरतें पेंशनों को लेकर परेशान हैं, मैं सब चीज़ों पे काम करूँगी। मतलब जो इलाके की सबसे बड़ी समस्या है वो कूड़े के ढेर और गंदगी का अंबार है। जी जी, और सब एक काम और कि बुलडोज़र चल रहे हैं, आप देख रही हैं कि हर जगह किसी की भी प्रॉपर्टी देखिए, कोई अपना आशियाना कितने उससे बनाता है पैसा, अपने पसीने खून कमी, और आते हैं बुलडोज़र और वो चल जाते हैं, वो लोग रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बुलडोज़र पर भी काम करूँगी और कोई भी बुलडोज़र, ये वादा करती हूँ मैं अपनी जनता से, इस इलाके के लोगों से, कि कोई भी बुलडोज़र उनकी बिल्डिंगों पर नहीं चलने दूँगी। किसे टक्कर में मान रही हूँ? वैसे तो हम लोग की लहर है, एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आएगी ज़रूर, और टक्कर में तो देखिए शुएब दानी सिटिंग काउंसलर रहे हैं तो उन्हीं से टक्कर है, और तो कोई है नहीं टक्कर में हमारे। कितना कड़ा मुकाबला मान रही हूँ उनसे? कड़ा मुकाबला तो नहीं मान रही हूँ, इंशाल्लाह सीट तो मेरी ही निकलेगी और आगे अल्लाह मालिक है, जो होगा तो मेरी सीट तो इंशाल्लाह पक्की है, यहाँ से जीत हमारी आम आदमी पार्टी की। नाजिया दानिश जो कि इस बार प्रत्याशी है, नाजिया दानिश शुएब दानिश साहब की ये पत्नी है, बीवी है, नाजिया दानिश मैदान में है और प्रत्याशी है ये वार्ड नंबर 189 की और रासी की। और उसके बाद में देखिए एमसीडी में किस्मत वो अपनी आजमाने जा रही हैं। ये दफ्तर है एमसीडी का और जो इस बार कांग्रेस की जो एक टैग लाइन है वो है कि दिल जीता है और अब दिल्ली जीतेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दफ्तर में आप देखेंगे यहाँ पर नाजिया दानिश को आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें उनकी लगी हुई हैं, भावी प्रत्याशी यहाँ पर वार्ड नंबर के साथ, साथ ही साथ शुएब दानिश साहब जो कि पूर्व पार्षद है। और उनका जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर में साफ साफ लिखा जा रहा है, नरेश जी पोस्टर दिखाइए जरा सर, कि दिल जीता है और दिल्ली जीतेंगे। एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, दबदबा है यहाँ पर इस इलाके में, लेकिन हम अभी घूम कर आए, लोग ये कह रहे हैं कि जो समस्याएं थी वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी किससे मुकाबला देख रही है? देखिए ऐसा है, पिछले 15 साल से शुएब दानिश साहब यहाँ काउंसलर हैं, ये हमारे सामने मेन रोड है। आज से 6.5 साल पहले शुएब दानिश ने ये रोड बनवाया था, 6.5 साल पहले। डैम्स का मसला ये होता है कि 5 साल के बाद फिर फंड नहीं मिलता है, और यहाँ के जो विधायक जी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उसकी सरकार ने एक फंड यहाँ पर लाकर नहीं दिया जिसकी वजह से ये रोड दोबारा बन सकता हो। दोबारा हमने फाइल जमा करी, सारा काम हमारा जो है क्लियर हो गया, बजट हमारा पास हो गया,
बाकायदा इसका टेंडर हो गया, लेकिन इसी बीच के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद जो है आचार संहिता लग गई, उस चक्कर में ये नहीं बन पाया है। यही वो सड़क है, यही वो रोड है जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार जिक्र कर रही है कि हमने यहाँ पर सड़कें बनवाई हैं, लेकिन कितनी बनी है वो तस्वीरों में आप अपने आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद आई है, उनसे हम जानते हैं कि इस बार क्या लग रहा है। आपकी दुकान पर तो बहुत लोग बिरयानी शिरयानी खाने आते होंगे, क्या लग रहा है, क्या जिक्र होता है, क्या बातचीत होती है आपकी? बार एमसीडी में किसका कब्जा? एमसीडी में देखो जिसने अच्छा काम किया है वही आएंगे फिर से एमसीडी में। आप किसकी तरफ? कांग्रेस, कांग्रेस, केजरीवाल। और हम लोग भैया कांग्रेस आए हैं, शुरू से कांग्रेस को ही देंगे। ये लोग केजरीवाल के चक्कर में भैया दूसरे कोई निकल जाएगा, हमको वोट बेकार नहीं करना। आपको क्या लग रहा है कौन एमसीडी में? कांग्रेस। कौन एमसीडी में? कांग्रेस। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम जानते हैं कि उनके क्या रहे। आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आगे पराठा रखा है, क्या लग रहा है कौन एमसीडी में? इस बार कांग्रेस के अलावा कोई है ही नहीं टक्कर, कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है कौन एमसीडी में इस बार? कांग्रेस। आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की लहर चल रही है इस टाइम पे। क्या लग रहा है आपको, बातचीत क्या होती है दुकानों पे जब जाते हैं, तो कौन एमसीडी में किसका कब्जा होगा? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन? आम आदमी पार्टी। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? हाँ भाई साहब, आम पार्टी का ही होगा, हाँ कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। एमसीडी में कौन आ रहा है? एमसीडी में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस। कौन आ रहा है एमसीडी में? केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल बता दो कौन आ रहा है इस बार? इस बार दानिश आ रहा है। दानिश यानी कांग्रेस? कांग्रेस, कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं। कौन आ रहा है इस बार एमसीडी में? कांग्रेस आएंगे। और कौन आएगा? जी हाँ, कौन आएगा आपकी बार एमसीडी में, केजरीवाल, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कौन आएगा इस बार एमसीडी में? दानिश भाई आएंगे, उनकी सीट कंपलसरी है यहाँ। दानिश भाई यहाँ लोगों से जुड़ के चलते हैं और सबकी सुनते भी। एमसीडी में कौन आ रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? इधर से तो कांग्रेस लग रहा है, तीन बार से वही जीत रहे हैं और उन्हीं की उम्मीद ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है कौन? कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है कौन इस बार एमसीडी में? आम आदमी पार्टी। कौन इस बार? आम आदमी। कुछ और लोग भी मौजूद है हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार एमसीडी में किसका कब्जा होगा, क्या लग रहा है एमसीडी में कौन बाजी मारेगा? इसका है नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ तो लग रहा होगा। नहीं, कांग्रेस का तो मजबूत है, यहाँ से कांग्रेस लेके जाएगी। आप युवा हैं, इस देश का भविष्य है, क्या लग रहा है कौन इस बार एमसीडी में? अभी कोई डिसाइड नहीं है भी, क्या लग रहा है किसकी हवा है, कुछ भी हवा तो कुछ नहीं है, बस असल रीजन देख के वोट देना चाहिए, देखिए पार्टी को देख के कोई ना दे। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कौन बाजी मारेगा? कांग्रेस। क्या लग रहा है कौन? दिल्ली में तो बीजेपी आएगी, बाकी यहाँ पे कांग्रेस। अब से एमसीडी पे बीजेपी का ही रहेगा है, लेकिन आपके इलाके से कांग्रेस जीतनी चाहिए? कांग्रेस ही आएगी। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है। क्या लग रहा है एमसीडी में कौन? आम आदमी पार्टी, हारिस खान, आम आदमी पार्टी। दरअसल ये जो जाकिर नगर इलाका है, इस इलाके के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जो जाकिर नगर इलाका है, यहाँ पर इस वक्त 2017 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से शुएब दानिश जीते थे, उन्हीं का दबदबा है पिछले 15 सालों से। और इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी, महमूद साहब थे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। इनके अलावा फिलहाल अभी जो है आम आदमी पार्टी ने सलमा आरिस को अपना कैंडिडेट बनाया है, और साथ ही साथ AIMIM की हम बात करें तो नाजरा परवीन सिद्दीकी है जो कि पत्नी है कौशल इनाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन साहब की। इनके अलावा शुएब दानिश की पत्नी नाजिया दानिश है जो कि अपनी किस्मत आजमा रही है, साथ साथ बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो लता चौहान जी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो ये तमाम वो उम्मीदवार हैं, वो प्रत्याशी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि पार्टियों को ये भरोसा, ये कैंडिडेट जनता के भरोसे में तब्दील कर पाते हैं या नहीं।